नमस्कार मित्रों, आपका कानून प्लस चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एक टॉपिक है और वो है क्या जो फॉरेनर्स हैं उनको भारत में कोई राइट्स है टू सेफगार्ड देमसेल्व्स, स्पेशली अगर वो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं। यू नो ओसीआई कार्ड होल्डर किसको बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। मींस बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतवासी जिनको सिटीजनशिप मिल गया दूसरे कंट्री का, और कुछ साल पहले भारत सरकार ने उनको अपने मिट्टी के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए या लगाव के लिए उनको कुछ राइट्स दिए अंडर ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड, कि वो जब चाहें तब इंडिया आ जा सकते हैं। कुछ प्रिविलेजेस भी हैं उसके तहत, और उसी प्रिविलेज होल्डर को अगर लॉ ये बोले कि भाई आप विदेशी हैं और आप अगर आपके कोई राइट्स वायलेट किए गए हैं आपके हस्बैंड के द्वारा या आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, तो आप वहां जाइए और वहां जाके उनके राइट्स को अपने राइट्स को इन्वोक कीजिए या वहां पे फाइट कीजिए, और वहां का लीगल जो लॉ है वो आपका राइट्स देखेगा। तो ऐसा ही एक केस भारत में आया और वो है साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का, मद्रास का केस है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष, उन दोनों की 1999 में मद्रास में ही शादी हुई और वो वापिस अमेरिका चले गए और वहां पे उन्होंने बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप लिया। अब अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने के बाद 2008 में उनके ट्विन बच्चे पैदा हुए जो आज 14-15 साल के हो चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लंबा चला और सन 2020 में वो महिला वापिस इंडिया आई अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर वापिस अमेरिका जाने से उसने मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो हस्बैंड था उसने एक केस फाइल किया अपने लोकल पुलिस को वहां पे, और वहां के जो काउंटी है वहां के लोकल काउंटी ने उसके फेवर में केस पास करते हुए कहा कि जो उसके बच्चे हैं दो, उसका राइट है उसके साथ उसको अपने पास रखने का, और अगर पत्नी नहीं आ रही है तो वो डाइवोर्स भी एक्स पार्टी करा लिया। अब एक्स पार्टी डाइवोर्स कराने के बाद और बच्चे के राइट्स को क्लेम करने के बाद वो भारत में आया। जब भारत में आया तो उसकी पत्नी ने उन बच्चों को उसको देने से मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बच्चे उसके साथ जो 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 उसकी पत्नी से ज्यादा अलाइंड हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं, तो अपनी माँ के साथ वो रहना चाहते हैं बच्चे। अब बच्चे ऑलरेडी 14-15 साल के हो चुके हैं तो कोर्ट ने कहा कि ये प्योर माइनर नहीं है, मैच्योर माइनर बच्चे हैं और उनके थॉट प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जाए, वो चाहते क्या हैं। तो जो कोर्ट था मद्रास हाई कोर्ट डबल बेंच ने हियरिंग की और उस हियरिंग में डिटेल में पूरे कहानी को समझा गया कि मामला क्या है, और उस पीरियड में डबल बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया कि चूंकि बच्चे माइनर हैं और उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत है, वो अमेरिका में पले बढ़े हैं, भारत में पले बढ़े भी नहीं है, और उसकी जो परवरिश अमेरिका में ज्यादा बेटर होगी अपने पापा के पास, तो इन बच्चों और उसके पास ऑर्डर भी था फादर के पास, तो उस ऑर्डर को संज्ञान में लेते हुए जो डबल बेंच था हाई कोर्ट का उसने उस बच्चे को वापिस भेजने का ऑर्डर दे दिया मदर के खिलाफ, और जो फादर था वो अपने बच्चे को ले जाने के लिए तैयार था। फादर ने यहां तक कहा कि मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और मुझे उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने कोशिश की होगी उन दोनों को मिलाने की, शायद उसी के ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि भाई आप उसको ले जाइए और इसी बहाने शायद फैमिली बस जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके जाने के बाद जो महिला थी उनकी पत्नी उसने जाने से मना कर दिया। अब दोबारा से वो आए वापिस यहाँ पे अमेरिका से उसके हस्बैंड, और उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे अपनी पत्नी से के साथ रहना नहीं है, मुझे अपने बच्चे को ले जाने दो, और उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला।
अब इस बीच में पत्नी ने उनपे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया, उसके बाद उनपे राइट्स टू कंजुगल राइट्स कर दिया, ये सारे जो है जो 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 राइट्स उनके थे अपने उसको इन्वोक करते हुए उनपे केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल होने के बाद मामला ये उठा कि चूंकि जो उनके हस्बैंड हैं वो अमेरिकन हैं, तो जो ये केस उसपे उनपे किया गया है ये वैलिड नहीं है, बिकॉज जो अमेरिकन सिटीजन पे अमेरिकन लॉ विल अप्लाई, मदर भी अमेरिकन है, बच्चे भी अमेरिकन है और फादर भी अमेरिकन है, तो ऐसी स्थिति में इंडिया में कोई केस नहीं लड़ा जा सकता। इसका सीनियर काउंसिल के साथ मिलके जो पति ने अपनी बातों को हाई कोर्ट में रखा जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम साहब के पास, तो अब जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम साहब ने पूरे डिटेल में इस केस को स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है जो प्रोटेक्ट करता है लेडीज के राइट्स को, वो अप्लीकेबल अमेरिकन सिटीजन्स पे नहीं है, लेकिन अगर वो ओसीआई है या अगर वो टेम्पररली कोई भी विदेशी भारत में रह रहा है और क्राइम भारत में ही किया गया उसके अगेंस्ट और सफरिंग भी वही हुई, तो ऐसी स्थिति में उसके पास पूरा राइट बनता है उस लेडी के पास कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करे, और अमेरिकन सिटीजन को भी अपना पूरा राइट है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, जो उसने ऑलरेडी किया है अमेरिका में रह के, उसने ऑलरेडी अपने राइट्स को इन्वोक करते हुए बच्चे का कस्टडी मांगा, उसके बाद फिर सेपरेशन भी किया, एक्स पार्टी कर लिया। जब उसकी पत्नी यहां आई और उसका मेंटेनेंस उन्होंने नहीं किया, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी तो एक सफरिंग हो गया एक महिला के लिए, तो उस महिला को इक्वली राइट है कि वो यहां पे रहते हुए अपने प्रति, अपने पति के प्रति या उसके कोई भी जो जो उसको तंग कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है या वो प्रताड़ित फील कर रही है, तो उसके प्रति उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत या 498 के तहत या एनी अदर सिमिलर एक्ट के तहत राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इन सबको संज्ञान में लेते हुए ये भी कहा कि जो डबल बेंच है उसने इस बात को ध्यान में नहीं लिया जजमेंट देते समय कि ये बच्चे जो मैच्योर ऑलरेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उनके विलिंगनेस को ध्यान में नहीं रखा गया। बच्चे के फ्यूचर को जरूर ध्यान में रखा गया कि वो अमेरिका जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे या उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन बच्चों को अगर अपनी मदर के साथ अटैचमेंट है और वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो मदरली ट्रीटमेंट फादर नहीं दे सकता, और बच्चे के विलिंगनेस के अगेंस्ट अपनी माँ से उसको जबरदस्ती हम जबरन जुदा नहीं कर सकते और कहीं विदेशी ऐसे जगह पे नहीं भेज सकते जहां पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्सेस कर रहे हैं अमेरिकन स्कूल्स में, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का हैप्पीनेस विलिंगनेस होना। हाई कोर्ट के सुनवाई के दौरान 2022 में ये भी कहा गया था, इनफैक्ट जो डबल बेंच ने जो जो इस पे डिसीजन लिया था उस समय ये भी कहा गया था कि मतलब ये बहुत ही मैं बोलूंगा जो हिस्टोरिक ये माना जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ध्यान में रखते हुए, यू नो, बच्चे जो हैं जब वो रेनबो को देखते हैं तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया जो है वो बहुत हसीन है, एसेट्रा एसेट्रा, यू नो, इस तरह की बातें हुई थी। मतलब आजकल ईगो के चक्कर में पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ ईगो करते हैं, लड़ाई करते हैं और जो बच्चे हैं वो पिसते हैं, उनका बचपन चला जाता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बचपन छीना जा रहा है बच्चे का, लेकिन उसके बावजूद उसके बच्चों को अपने फादर के पास जाने के लिए ऑर्डर दे दिया उन्होंने, जो कि लकीली डॉक्टर एस एम सुब्रमण्यम ने इस बात को संज्ञान लेते हुए कहा कि ये जो राइट हैबिस कॉर्पस का जो आपने आर्टिकल 226 के अंदर में जो इन्वोक किया है अपने राइट्स को वो इनकम्प्लीट है, तो ऐसे इनकम्प्लीट राइट्स को हम
इंपोज नहीं कर सकते यूनिलैटरली एक महिला पर जो अपने बच्चे का भरण पोषण खुद कर रही है और जो और जिसके साथ बच्चे खुश हैं। बच्चे को, बच्चे अगर अपनी माँ के आंचल में खुश हैं तो उनको उनकी माँ के आंचल में ही रहने दीजिए, वो इंडिया के गरीबे में ही अगर पल भर रहे हैं तो उनको उसी में पल्ले भरने रहने दीजिए। और आप ये नहीं कर सकते कि वुमेन जो है, आपकी पत्नी जो है, वो यहां से आप पे केस नहीं कर सकती। और इस बात का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जो मैं आपको रीड करके सुनाता हूं, उन्होंने कहा कि द ऑर्डर्स वेर पास्ड व्हाइल रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन अ सिविल रिवीजन पिटीशन फाइल बाय अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन टू स्ट्राइक ऑफ ए कंप्लेंट लॉज अगेंस्ट हिम बाय हिज स्ट्रेंज वाइफ हु इज आल्सो एन अमेरिकन सिटीजन बिफोर महिला कोर्ट इन चेन्नई अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। Judge also dismissed another plea by litigant to strike off a petition filed by the woman before a family court here for restitution of conjugal rights. ये बात जो है वो final decision में आया है और उस उन्होंने ये भी कहा कि habeas petition filed by their father last year seeking their custody is incomplete. And the fact is even the children have witnessed and said that you know his mother was being harassed by his father physically as well as mentally. To aisi sthiti mein kya jinko double bench ne right diya tha apne sath le jane ka usko invoke karna kya nyayasangat hoga? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली डिसीजन यही हुआ कि ये एक जो ये जो प्रोविजन है यू नो अंडर आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांट करती है वो अलाइन होती है हर कोई के लिए एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेनर्स नंबर वन एंड सेक्शन 27 ऑफ you know this domestic violence act tells or 2005 states that even a temporary resident within the territorial jurisdiction of a judicial magistrate and metropolitan magistrate could approach them seeking appropriate relief under the law. So my friends, article 21 aa gaya, uske baad domestic violence act ka section 27 aa gaya, एंड इसके अलावा विटनेस आ गया, उसके बाद मदर का जो है मदरली ट्रीटमेंट आ गया एंड मदर ने जो सफरिंग किया उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने उस अमेरिकन सिटीजन का जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपको ये भी संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ये शादी 1999 में जो हुई थी वो भी भारत की भूमि पे भी हुई थी, उसी चेन्नई के मैदान में हुई थी। तो इसीलिए उनकी पत्नी का पूरा राइट है एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और जो यहां रह रही हैं, जिस ग्राउंड पे रह रही हैं, जहां रह रही हैं, जहां पे उनके साथ एक्ट ऑफ क्रूएल्टी किया गया अपने राइट्स को इन्वोक करने का। सो मित्रों, आप अगर इस पूरी चर्चा में अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करें और अपने ओपिनियन दें कि इस तरह के जो लड़ाइयां हो रही हैं, इन लड़ाई में पिस्ता कौन है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ओवर बच्चे सबसे ज्यादा सफरिंग करते हैं, उसके बाद बूढ़े माँ बाप सफर करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद समाज में जो एक निगेटिविटी फैलता है, लिटिगेशन फैलता है, लीगल सिस्टम पे लोड पड़ता है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैं आप समझता हूं कि जो जो जस्टिस सुब्रमण्यम ने जो ये वर्डिक्ट दिया है ये टोटली जस्टिफाइबल है और जो बोथ साइड्स को राइट है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, जैसे हस्बैंड ने किया उसे वाइफ ने किया, लेकिन इन सब में कौन पिसा? पिसने वाले सिर्फ बच्चे थे, उनका बचपन चला गया। मित्रों, आप सबने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा
कि हमारे चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।